दोस्तों इस वीडियो में हम ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जो अप्रेंटिस उसका फॉर्म भरने वाला है, इसके पहले हम एक ओबीसी कैंडिडेट यानी कि मैं अपना खुद फॉर्म भर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रीशियन से वो वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है फीटर कैंडिडेट का एससी कैटेगरी से वो लड़का है और उसका सारा कुछ हम यहाँ पे भरने वाले हैं A to Z। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको सारा कुछ एक भी जरा प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको इस वीडियो में हम कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है वो भी हम बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी और सारा कुछ बताएंगे। हाँ, और कैसे कैसे फोटो वगैरह कैसे कैसे अपलोड किया जाता है सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जा करके यहाँ पे इस पेज में डायरेक्ट आ जाइएगा। हाँ, इस पेज में आप लोग आइएगा तो सबसे पहले नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे ये थ्री डॉट में क्लिक करके इस जगह पे थ्री डॉट में क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप सेट कर लेना है। ये वाला देखिए, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे इस जगह पे डेस्कटॉप सेट मेरा ऑन है, ये वाला आप लोग ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे भरना है क्लिक टू प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर देना होगा। हाँ, आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये एससी कैटेगरी, तो इसका कोई फी नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आप लोग आइएगा तो देखिए सबसे पहले जिस तरह से मैं भर रहा हूँ उस तरह से आप लोग भरिए। इसके बाद एक और कैंडिडेट का मैं भरूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका ट्रेड यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, जो ट्रेड आपका है वो ट्रेड आपको यहाँ पे सिंपली जो है जो जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो इसका फीटर है तो मैं फीटर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे फीटर चूज कर लिया हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करेंगे उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट ट्रेड फीटर, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप डिसेबिलिटी हैं, तो यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए ट्रेड का नाम आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे जो है PWBD कैंडिडेट जो रहते हैं दिव्यांग रहते हैं उसके लिए रहता है नीचे वाला, तो यहाँ पे मैं नो कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करेंगे उसके बाद मैं सबसे पहले आप यहाँ पे भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो गाइस देखिए आपको इस तरह से भरना है, एक भी जरा से आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। हाँ, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे कैंडिडेट नेम में अपना जो मार्कशीट में नाम है वो भरिएगा, अपना फादर नेम भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अपना मदर नेम आपका जो भी वो भर देना है, कम्युनिटी में आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके आपका जो भी रहेगा हाँ ये हो जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है, आपका जेंडर चूज कर लेना है, रिलीजन क्या है वो चूज कर लेना है, आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं नहीं भी दे सकते कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन से हैं, अगर हैं तो यहाँ पे एस पर क्लिक कीजिएगा और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे आपको अगर होंगे एक्स सर्विसमैन तो आपको इस सब में से कोई भी एक चूज करना पड़ेगा। हाँ, और अगर आप एक्स सर्विसमैन यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे नन पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे नन पर इस पर क्लिक किया हूँ। अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं और जो यानी कि आपका यानी कि आगे तक आप यूज़ करना चाहते हैं उसको रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इसका मेरिट लिस्ट उसका ईमेल आईडी पर ही आता है। हाँ, तो ईमेल आईडी यहाँ पे आप लोग दे दीजिएगा, सेम ईमेल आईडी कॉपी करके यहाँ पर दे देना है। ठीक, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दे देना है, अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो, और यहाँ पर वही मोबाइल नंबर फिर से देना है। अपना गाँव का सामने का जो रेलवे स्टेशन रहेगा उसका नाम आप लोग भर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए एड्रेस लाइन वन में आप लोग अपना जो है गांव का नाम यानी कि ग्राम जो होता है अपना विलेज और पोस्ट लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे थाना यानी कि पुलिस स्टेशन तक भी लिख सकते हैं। एड्रेस लाइन टू में आप लोग पुलिस स्टेशन आ तो डिस्ट्रिक्ट इतना तक लिख दीजिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विलेज टाउन ये सब पूछ रहा है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर भर दीजिएगा। स्टेट में यहाँ पर चूज कर लेना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में चूज कर लेना है। पोस्ट ऑफिस में अपना नाम दे दीजिएगा जो भी है आपका पोस्ट ऑफिस का नाम। उसका पिन कोड में अपना पिन कोड का नाम दे यहाँ पे भर दीजिएगा। हाँ, आप सेम जगह से हैं तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे ये वाला फिल हो जाएगा परमानेंट एड्रेस में। क्लास 8 का यहाँ पे नहीं देना है क्योंकि ये लड़का जो है फिटर का है तो इसको क्लास 8 का भरने का जरूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिछला वीडियो में बताया था थोड़ा सा हमसे भूल हो गया था कि देखिए जो जो भी यहाँ पे वेल्डर से यानी कि एक जो 6 ट्रेड का निकाला गया है ना, जो 6 लड़का बताया गया कि ये सब यानी कि 8वां क्लास से भी अप्लाई कर सकता है, तो उसको जो है जब तक वो 8वां क्लास का यहाँ पे अप्लाई भर नहीं रहा है उस तब तक उसे आगे भेजा नहीं जा रहा है। जैसे कोई अगर वेल्डर से है तो उसको यहाँ पे 10th और 8 का दोनों का भरना जरूरी होगा। हाँ, तभी उसको आगे यहाँ पे भरने को दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं। देखिए ये जो फिटर से कैंडिडेट है तो इसका रोल नंबर मैं दे दिया हूँ यहाँ पे, इसका जो कौन सा बोर्ड से किया है यहाँ पे मैं भर दिया हूँ। उसके बाद आगे देखिए आप लोग जितना नंबर लाया है वो यहाँ पे आपको भरना है, मार्क्स ऑप्टेन यानी कि प्राप्त नंबर
उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में कितने यहाँ पे आप लोग जितना भी आपका बोर्ड में होता है, आपका मार्कशीट में होगा टोटल नंबर, उतना में से आपको यहाँ पे भर देना है। हाँ, कितना नंबर का टोटल आपका होता है वो, उसको परसेंटेज पर क्लिक कीजिएगा, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, कौन सा साल आप लोग पास किए हैं टेंथ क्लास वो आपको भर देना है। उसके बाद हम लोग आईटीआई में आते हैं। आईटीआई में देखिए आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भरना होगा, आईटीआई का नाम आप लोग दे दीजिएगा इस तरह से, कौन सा साल आईटीआई पास किए वो आपको दे देना है, आईटीआई में कितना नंबर लाए ये यहाँ पे भरना है, आईटीआई में टोटल कितना नंबर का था ये आपको यहाँ भरना है, और आईटीआई में यहाँ पे परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको इस जगह पे आपको क्लिक करना होगा, इस जगह पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए बहुत बार कैप्चा नहीं लेता है, तो आप लोग एक बार पहले यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, नया कैप्चा आ जाएगा। उसके बाद इस कैप्चा को आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा, उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस देखिए आप लोग जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इस जगह पे आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन, अगर आपका आप पहले यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ये पूरा नीचे स्क्रॉल करके आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ यहाँ पे सही है या नहीं है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर सारा कुछ अगर सही रहेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर वाला में क्लिक करना है, उसको यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक कर देना है। और अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो आपको यहीं पर आपको इस जगह पर क्लिक करना होगा, और आपको यहाँ पर बगल में आना होगा, इस जगह पर देखिए एडिट डाटा पर क्लिक करके आप लोग एडिट कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ से आप लोग एक बार जहाँ से सबमिट कर दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे कभी भी फिर एडिट नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है इस जगह पे, एडिट वंस यू क्लिक। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे इसका पहले अभी तक एडिट कर सकते हैं, इसके बाद एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसका चेक कर लेता हूँ सारा कुछ, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे आपको बताता हूँ। हाँ, तो दोस्तों मेरा सब कुछ यहाँ पे सही है, मैं सिंपली यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। हाँ, और देखिए आप लोग भर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आईटीआई का नंबर और टेंथ का नंबर में यहाँ पे भरते समय, क्योंकि यही सब का सब कुछ खेला है, आपका आईटीआई का नंबर और टेंथ का नंबर पर ही सब कुछ खेला होता है, क्योंकि जो परसेंटेज जो मेरिट लिस्ट बनता है वो आईटीआई टेंथ का मेरिट लिस्ट पर ही बनता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पे ओके पर मैं क्लिक कर दूंगा। ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि एक्सपायर करके बोल गया क्योंकि ज़्यादा देर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे जो है क्लिक हायर पर क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग देर नहीं कीजिएगा, नहीं तो इस तरह से एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, तो गाइज मेरा क्या हुआ, पहला बार में सेशन एक्सपायर हो गया, यानी कि बहुत देर हम मैंने कर दिया था भरने में, तो हमको क्या करना पड़ा, फिर से शुरुआत से जाकर के फिर से सारा कुछ भरना पड़ा। तो देखिए इस बार तो नहीं ज़्यादा यानी कि थोड़ा सा जल्दी किए तो इस बार हो गया है, और देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला आ गया। हाँ, ये वाला आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन शॉट मार के ये वाला रख लीजिए इस तरह से, स्क्रीन शॉट मैंने मार लिया, और आपको ये वाला नंबर अभी नोट करके रख लेना। हाँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 65 है, 34 है, और यहाँ पे 27 है, ये 6 अंक का अक्षर आपको जो है आपको लिख करके रख लेना है। ठीक, ये वाला लिख लेंगे, आपका ईमेल आईडी में जो यहाँ पे दिया गया है, ईमेल आईडी में आपका चला जाएगा ये वाला रजिस्ट्रेशन, और आपका मैसेज भी जाएगा कि हाँ आपका ये हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला नीचे आपका नीला कलर से जो लिखा गया है क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और हाँ, ये नंबर जो मैंने आपको बोला वो आपको याद रखना होगा, तो लिख करके रख लीजिए। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, आपको एप्लीकेशन नंबर में यहाँ पे सिंपली वही वाला जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है ना वही वाला भरना है, 65 34, उसके बाद लास्ट में 27, ये आप लोग भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो गाइज आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, अपना कैप्चा डाल देना, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप आगे आएगा यूनिट प्रेफरेंस, तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है, जिसका इसका परसेंटेज ज़्यादा है वो लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आसनसोल हावड़ा लीजिएगा, ये सब तो लेता ही है, लेकिन जिसका परसेंटेज वहाँ पे कम है वो हमको यानी कि हम उसका बता देते हैं कहाँ कहाँ आपको भरना है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल यूनिट में क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए इसका यानी कि फीडर ट्रेड है, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन दे रहा है चूज करने के लिए, किसी किसी का कम भी देता होगा, किसी किसी का ज़्यादा भी देता होगा, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट पर कहाँ कहाँ से कौन सा ट्रेड से वैकेंसी निकला इस पर यानी कि डिपेंड करता है। हाँ, तो देखिए फर्स्ट प्रिफ्रेंस में इसका यहाँ पे देखिए आसनसोल हावड़ा जमालपुर ये तीनों हम छोड़ देंगे, तीनों छोड़ करके हम फर्स्ट प्रिफ्रेंस में इसका लिलुआ भरेंगे।
ये फर्स्ट प्रेफरेंस में लिलुआ हो गया क्योंकि इसका जो परसेंटेज कम है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिलुआ भर रहा हूँ। सेकेंड जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे मालडा भर दूंगा। सेकेंड जो मालडा हो गया उसको थर्ड में इसका जो कचरा पारा रहेगा, यानी कि जस्ट अपोजिट आपको करना है, उसको फोर्थ में आपको यहाँ पे जमालपुर भर दूंगा। उसके बाद पांचवा में आपको जो है आसनसोल हावड़ा, जो भी आप ले सकते हैं हावड़ा ले लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्स नंबर में आसनसोल लेना है। यानी कि देखिए, अगर किसी का परसेंटेज हाई है तो आपको क्या करना है, ऊपर से लेकर के आपको चूज करते आना नीचे तक, और किसी का अगर परसेंटेज अगर कम है, जैसे 60 है 70 है परसेंटेज आ रहा है ओवरऑल, तो आपको क्या करना है, नीचे से आपको चूज करना है, तब ज़्यादा चांसेस रहेगा। मेरे दोस्त का जो है लगभग 72 या 73 हुआ था वायरमैन का, पिछला बार जो आया था 2021-22 में अप्रैल में जो आया था ना, उसमें उसका हो गया है। उसको लिलवाने के फर्स्ट प्रेफरेंस में था तो उसका हो गया। हाँ, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएगा। तो देखिए, ये सब इतना करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। सिंपली सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, उसको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि हाँ, ये आप लोग जो है यहाँ पे यूनिट प्रेफरेंस चूज कर लिए, तो आपको फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना पड़ेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो वगैरह जितना भी है सारा कुछ अपलोड करने बोलेगा। तो मैं आपको एक एक करके भी फोटो वगैरह अपलोड करके मैं दिखाने वाला हूँ। और देखिए, इसका बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको फोटो का साइज कम कहाँ से करना है, फोटो का साइज अधिक कहाँ से करना है, पीडीएफ को जेपीजी में कैसे करना है, और जेपीजी को पीडीएफ में कैसे करना है, पीडीएफ का साइज कम कैसे करना है, पीडीएफ का साइज अधिक कैसे करना है, सारा कुछ आपको मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हाँ, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो है अपलोड करके इसको बता दे रहा हूँ, ठीक, ये वाला अपलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। और देखिए, ये यहाँ पे जो आप लोग फोटो अपलोड कीजिएगा ना, वो यहाँ पे देखिए 35x35 mm में होना चाहिए। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जरूरी, यानी कि देखिए स्क्वायर में रहना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर में रहना चाहिए, तो आपका ये काम हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सब कुछ यहाँ पे भर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आगे। तो फाइनली गाइस, मैं यहाँ पे सारा कुछ जो है अपलोड कर दिया हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है, सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, बायां हाथ का जो थंब है उसका भी इंप्रेशन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर दिया हूँ। देखिए, आप लोग 10th का मार्कशीट जो अपलोड कीजिएगा, तो जो भी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा ना, उसका बगल में इस तरह से नाम लिख दीजिएगा। हाँ, नाम लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से कीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे नाम हम आने की चेंज कर दिए हैं इस तरह से। और जो है पीडीएफ का साइज़ वो 100 से 300 KB के बीच में रहेगा, पीडीएफ में रहेगा। और जो फोटो का साइज़ है, वो फोटो का साइज आपका जो है वो 20 से 50 KB के बीच में रहेगा। हाँ, और आपका सिग्नेचर का साइज है वो 10 से 40 KB के बीच में रहेगा। उसके बाद जो थंब का इंप्रेशन है वो भी आपका 10 से 40 KB के बीच में रहेगा, ठीक है। ये तीनों जो है आपको फोटो, ये वाला और ये वाला, ये आपको जेपीजी में रखना है, ठीक। जैसे कि लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जेपीजी फॉर्मेट, उसके बाद इधर जितना बच गया सारा पीडीएफ में रखना है 100 से 300 KB के बीच में। तो देखिए, सारा कुछ एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या अपलोड किया हूँ उसको, ठीक है। उधर आप लोग तीनों देख लिए, यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हूँ। अगर किसी के राइज में अगर सर्टिफिकेट नहीं देता है, अगर दोनों कंबाइंड रहता है, तो दोनों आप लोग जो भी आपके पास है, अगर मान के चलिए सर्टिफिकेट में किसी का मार्कशीट रहता है, तो आप लोग ये वाला यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और अगर और फिर यहाँ पर भी आप लोग वही वाला अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, यानी कि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट किसी राज्य में एक ही में रहता है, तो आपको वही वाला सर्टिफिकेट और मार्कशीट इसमें अपलोड करना है, प्लस में उसमें भी आपका वही वाला अपलोड करना है, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एज प्रूफ मांग रहा है, तो आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ, तो देखिए मैं 10th का मार्कशीट दे दिया हूँ, आप लोग ITI का मार्कशीट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट जो है आप लोग अपलोड करना है, ITI का मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड कर दिया। और लास्ट में बात आता है कि यहाँ पे ST SC OBC जो भी यहाँ पे PWBD ये सब जो भी यानी कि आते हैं, उसका सेंट्रल लेवल का मांगा जाता है। हाँ, तो देखिए आपके पास अगर सेंट्रल लेवल का नहीं है, स्टेट लेवल का भी है, फिर भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, बहुत लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम भी आया है, और वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे भी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो भी यहाँ पे है वो आप लोग अपलोड कर दीजिए, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप लोग ज्वाइनिंग जो है लेकर के जाइएगा। ज्वाइनिंग के समय आप लोग सेंट्रल लेवल का लेके जाइएगा। हाँ, और अगर उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर नहीं ले जा पाते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम देना पड़ेगा। ये कुछ रहता है फंडा, ठीक है। मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि महाराष्ट्र राइज का जो है SC का
ओबीसी सॉरी एससी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से बनाया जाता है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। हाँ अभी मैं थोड़ा सा फॉर्म भर लेता हूँ। तो ये एससी कैटेगरी से मैं फॉर्म भर रहा हूँ एससी, तो यहाँ पे मेरा जो है कोई फी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अपलोड करके अपलोड होता है या नहीं होता, तो मैं यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करूँगा। अपलोड कर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो देखिए यहाँ पे लगता है फिर से हमको बोल रहा है, हाँ प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड जेपीजी थंब फाइल। अच्छा थंब फाइल में कुछ आने की प्रॉब्लम है, तो थंब फाइल को मैं यहाँ पे आने की देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो गाइज मैं फिर से यहाँ पे सब अपलोड कर दिया हूँ। मेरा थंब में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि केबी जो है वो ज़्यादा था, 64 KB का था, हम ध्यान नहीं दिए थे। इस बार हम 14 KB का बना दिए और इसका जो है क्रॉप करके थोड़ा सा साइज भी कम कर दिए। अब देखते हैं सारा कुछ फिर से अपलोड कर दिए उसी तरह से, देखते हैं होता है क्या नहीं होता। यार दिक्कत तो होता है, आप लोग को भी दिक्कत होता होगा। आप लोग इसी तरह से अपलोड करते रहिए, जब जब नहीं हो रहा तब अपलोड करते रहिए, एक बार नहीं एक बार जरूर होगा। और आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा इसका नाम का, हाँ नाम आप लोग चेंज कर दीजिएगा। अभी थंब का जो आने की नया हम बनाए उसका नाम आने की चेंज था, तो यहाँ पे थंब एस ए एन इस तरह से करके लिख दिए। हाँ तो आप लोग नाम में ध्यान दीजिएगा, केबी में ध्यान दीजिएगा, और जेपीजी या पीएनजी कौन सा फॉर्मेट में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ तो मैं सारा कुछ यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ उसी तरह से फिर से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से अपलोड करूँगा, देखते हैं होता है क्या नहीं होता है। हाँ अपलोड पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया, अब देखते हैं इस बार क्या होता है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं। देखिए फिर से हमको यहीं पे भेज दिया है, प्लीज़ सेलेक्ट ए वैलिड जेपीजी साइन। अब और साइन में दिक्कत बता रहा है, उसमें थंब बता रहा था वो साइन में बता रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे फिर से उसको चेंज करके कुछ इधर उधर कर देंगे नाम वगैरह में, उसको फिर से अपलोड करके आपको दिखाते हैं। हाँ आज मैं फिर से अपलोड कर दिया हूँ सारा कुछ, अब फिर से देखते हैं अपलोड करके कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब से परेशान कर रहा है। ओके पर क्लिक करते हैं, देखते हैं होता है क्या नहीं होता है। देखिए फिर से नहीं हुआ है, फिर से हमको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड जेपीजी साइन। अब क्या करेंगे, मेरा जो साइन का फॉर्मेट है ना उसको थोड़ा सा यानी कि क्या करेंगे इस तरह से, यानी कि थोड़ा सा इतना बड़ा है। अब क्या करूँगा उसका यानी कि इतना बड़ा कर दूंगा, अब देखते हैं होता है क्या नहीं होता है। दो तीन बार ट्राई कर चुका हूँ, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। और जो भी आपको यहाँ पर बता रहा है, देखिए सबसे पहले हमको बता रहा था यहाँ पे इस जगह पे कि आपको जो थंब में प्रॉब्लम है, थंब में हम सही कर लिए, अब साइन में प्रॉब्लम बता रहा है। साइन को थोड़ा सा क्रॉप करके छोटा कर लेते हैं, उसके बाद अपलोड करके आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों मैं फिर से इसको अपलोड किया हूँ, देखिए अब जो है इसका सिग्नेचर का, पहले थोड़ा सा इतना बड़ा था, अब मैं इसको कटिंग करके थोड़ा सा इतना कर दिया हूँ, अब देखते हैं लेता या नहीं लेता। और इसको 12 KB कर दिया हूँ, अब देखते हैं इसको आने की सारा कुछ अपलोड पे क्लिक करके कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ अपलोड पर क्लिक कर दिया, ओके पर मैं क्लिक कर दिया हूँ, अब देखते हैं शायद मुझे लग रहा है कि शायद इस बार हो जाएगा। हाँ इतना देर कर रहा है इसीलिए, ये बहुत परेशान किया यार, दो तीन बार एकदम पूरा ट्राई किया नहीं हुआ है, लग रहा है इस बार होगा या नहीं होगा, वेट करते हैं क्या होता है देखते हैं। तो गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा कुछ हो गया है यहाँ पे। यार इतना मेहनत करने के बाद दिमाग खराब कर दिया था पूरा मेरा भरते भरते, तो आपको भी इसी तरह से लगे रहना है। आप बहुत लोग एक दो बार आप लोग कोशिश करते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ आपको पूरा लगे रहना है, जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे छोड़ना नहीं है। आपको अपने वहाँ पे बताएगा कि आपका क्या चीज़ में दिक्कत है, जिस चीज़ में दिक्कत होगा उसका थोड़ा सा 1 KB 2 KB का साइज़ कम कर दीजिए, और थोड़ा सा आप लोग जो है क्रॉप व्रॉप कर दीजिएगा। हाँ और नाम में चेंज कर दीजिएगा, आपका जरूर होगा। फ़ोटो को जो क्या करना है, बहुत लोग का फ़ोटो जैसे इस तरह से रहता है, हाँ फोटो इस तरह से रहता है, तो आपको क्या करना है सिंपली ये सब सारा कुछ रहने देना, आपको क्या करना है यहाँ तक ले लेना है, आपको सिंपली जो है यहाँ तक रखिएगा आपका हो जाएगा। हाँ तो देखिए इस तरह से करके, और इसके बाद एक और मैं फॉर्म भरूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग इस वीडियो को इतना देर तक देखें तो आप लोग जो जो भरेंगे वो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसका पूरा फुल आंसर में बता दूंगा। हाँ तो ये मेरा लगातार 2 फॉर्म हो चुका है, आप लोग जो है इसको देखिए पूरा अच्छा से और समझिए। हाँ कोई दिक्कत होता है तो आप लोग बताना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस पर प्रिंट पर क्लिक करूँगा और इसको जो है प्रिंट कर लूँगा। यार दिमाग खराब कर लिया, देखिए देखिए यहाँ पे फोटो किस प्रकार से, यह फोटो आप लोग देख सकते हैं, अधिकतर फोटो जो रहता है वो रहता है थोड़ा सा और नीचे तक रहता है, लेकिन मैं यहाँ से क्रॉप कर दिया हूँ। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है।
तो ये जो कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र का कैंडिडेट है फीटर एससी से, तो इसका यानी कि जो है कोई फी नहीं लगा, हाँ पैसा कोई भी नहीं लगा। जो ओबीसी रहते हैं उनका फी लगता है, जनरल का फी लगता है, ये सब का फी लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।